सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज हम आपके सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग गेस्टुलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि गेस्टुलेशन स्टेज क्या होती है, जो ब्लास्टुलेशन के बाद में आती है, गेस्टुलेशन के कैरेक्टर, इसमें कितने प्रकार के मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स होती है, तो क्या मेन उनके लक्षण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी कोई YouTube चैनल पे जो भी चीज़ अपलोड की जाती है वो तुरंत आपको उपलब्ध हो सके। तो छात्रों, आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि गेस्टुलेशन क्या होता है। तो गेस्टुलेशन एक इस प्रकार की अवस्था होती है, स्टेज होती है, जिसको वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से डेफिनेशन किया कि गेस्टुलेशन वो प्रोसीज होती है जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर स्थित ऑर्गन्स के संभावित क्षेत्र गति कर अपने विशिष्ट स्थान जहाँ एडल्ट में पाए जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, तथा गेस्टुलेशन के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है, अथवा एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म बनते हैं, साथ ही आर्कोट्रॉन का भी निर्माण होता है। तथा ब्लास्टुला की कोशिकाओं में पुनर्व्यवस्था तथा कुछ कोशिकाओं में विभेदित होकर अंदर की ओर गति करने के प्रोसेस को गेस्टुलेशन कहते हैं, तथा इस अवस्था को गेस्टुला कहते हैं। तो ब्लास्टुला से गेस्टुला का बनना ही गेस्टुलेशन कहलाता है, जिसमें अविभेदित ब्लास्टोड्रम से एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम नामक 3 प्राथमिक जनन स्तरों का पृथक्करण होता है, तथा ये जनन स्तर अपना अवशिष्ट स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तथा ब्लास्टुला गेस्टुलेशन के फलस्वरूप गेस्टुला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेजर इवेंट्स ऑफ ड्यूरिंग गेस्टुलेशन, गेस्टुलेशन के दौरान प्रमुख घटनाएं जिसमें मॉर्फोजेनेसिस मोमेंट के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोड्रम की कोशिकाएं पुनर्व्यवस्थित होती है। तो छात्रों, गेस्टुलेशन में 3 प्राथमिक जनन स्तर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट, आर्केंट्रॉन का भी निर्माण होता है, तथा विद्युलेंद्र मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है क्लीवेज रेट। नेक्स्ट, ग्रोथ लगभग नील होती है, ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट, ऑक्सीजन खपत बढ़ जाती है, तथा कार्य की दृष्टि से न्यूक्लियस एक्टिव हो जाता है, तथा भ्रूण कोशिकाओं की विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नए प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। तो गेस्टुलेशन में
कोई अलग से प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि नोटोकॉर्ड्स तथा सेंट्रल नर्व सिस्टम के मूलांग बढ़कर एक्टोडर्म व इंडोडर्म के मध्य में फैलने लगते हैं। गैस्ट्रुला दोस्तों एक्टोडर्म व इंडोडर्म का बना होता है। गैस्ट्रुला में मेजोडर्म भी उपस्थित होती है। इस प्रकार से थ्री लेयर बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट मोवेम एंड संरचना विकास गतियां अविद्युत ब्लास्टोडर्म से तीन प्राथमिक जन स्तरों का पृथक्करण तथा इनका अपना अवशिष्ट स्थान ग्रहण करना गैस्ट्रुलेशन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। गैस्ट्रुलेशन में कोशिकाओं की जटिल परंतु सुव्यवस्थित एवं समन्वित गतियां होती है। इन कोशिकीय गतियों को मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स तथा संरचना विकास गतियां या निर्माण गतियां या गैस्ट्रुलर मोमेंट्स भी कहते हैं। इन गतियों के परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं उन विशिष्ट स्थानों में स्थानांतरित हो जाती है जहां उन्हें विभिन्न ऊतकों टिश्यू या अंगों तथा अंग तंत्रों का निर्माण करना होता है। संरचना विकास गतियां भ्रूण में गैस्ट्रुलेशन न्यूरुलेशन के दौरान होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाली संरचना विकास गतियां अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, जबकि एडल्ट में ये उत्क्रमणीय होती है। इस प्रकार संरचना विकास गतियां दो प्रकार की होती है। इपीबोली और इम्बोली। इपीबोली वो प्रोसेस है जिसमें संभावित इक्टोडर्म कोशिकाएं अंदर की ओर गति कर रहे संभावित नोटोकार्डल मेजोडर्मल और इंडोडर्मल अवयव के चारों ओर फैल जाती है। अतः इपीबोलिक इक्टोडर्म निर्माण करने वाली ब्लास्टोमियर में पाई जाती है और इन कोशिकाओं में चपटा होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के साथ साथ इनके लगातार विभाजन भी होता रहता है। यह चपटा होने की प्रवृत्ति और लगातार विभाजनों के परिणाम स्वरूप इक्टोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं का विस्तार होता फैलती है। इस प्रकार ये कोशिकाएं ब्लास्टोपोर को छोड़कर भ्रूण की पूरी सतह पर फैल जाते हैं तथा साथ ही इक्टोडर्म कोशिकाओं द्वारा उन कोरक खंडों को भी आवृत कर लिया जाता है जो मेजोडर्म व इंडोडर्म के निर्माण के लिए अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रोसेस का को इपीबोली एम्फीबियन सेफलोपोड्स के होलोब्लास्टिक एग में पाया जाता है।
रेप्टाइल्स, बर्ड्स और टेलोस्ट में इपीबोली संरचना विकास गतियों में कोशिकाओं में गति अग्र पक्ष दिशा में तथा ब्लास्टोमियर का फैलना सीमांती होता है, जो कि प्रिमेटिव स्ट्रिक तथा जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान होता है। नेक्स्ट इन्वेजिनेशन, जो इम्बोली स्टेज में आती है। इम्बोली अंतरारोही संरचना विकास गतियों में संभावी कार्डोमिजोडर्मल एंडोडर्मल ब्लास्टोमियर ब्लास्टुला की सतह से अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं, साथ ही परिवर्तित हो रहा भ्रूण अग्र पक्ष में फैल जाता है। अंदर की ओर स्थानांतरित कोशिकाओं की प्रकृति नेचर जन्मजात होता है तथा कोशिकाओं के आकार के परिवर्तन के आधार पर होती है। इम्बोली में अनेक विधियां होती है, जिसमें सर्वप्रथम इन्वेजिनेशन आता है, जिसे अंतर्गमन कहते हैं, जो इस डायग्राम में भी देख रखा है कि एम्फियोक्सिस में अंतर्गमन द्वारा गेस्टुलेशन। इसमें फर्स्ट स्टेज में ब्लास्टोसिल जो अंदर की ओर है, बाहर ब्लास्टोडर्म है। नेक्स्ट स्टेज में ब्लास्टोफोर के द्वारा अंदर की ओर गमन कर रहा है अंतर्गमन, और अंदर की ओर गमन करने के बाद में ब्लास्टोफोर का निर्माण हो जाता है तथा आर्केंट्रॉन बन जाती है और एक्टोडर्म एंडोडर्म मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म और आर्केंट्रॉन और ब्लास्टोफोर संरचना बन जाती है। इन्वेजिनेशन या गेस्टुलेशन की सिंपल विधि होती है। इसमें ब्लास्टुला की सतह से कोशिकाएं अंदर की ओर दस्ती है, इन्वेजिनेशन अंदर की ओर या धकेली जाती है। इसमें अक्रिय ध्रुव पर दीर्घ खंडों का अंतर्गमन होता है। ये ब्लास्टोसिल ये आर्केंट्रॉन को निर्माण करती है, जो ब्लास्टोसिल को समाप्त कर माइक्रोमियर के संपर्क में आ जाते हैं और इस क्रिया में प्रारंभ में भ्रूण अर्धचंद्राकार हो जाता है तथा बाद में पेलनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है। ब्लास्टोसिल रिड्यूस्ड हो जाती है और इसके स्थान पर एक नए रोडिमेंट का निर्माण होता है, इसे आर्केंट्रॉन कहते हैं। यह स्पेस अंतर्वलित कोशिकाओं द्वारा आवृत रहता है तथा यह एक ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलती है। ब्लास्टोपोर क्रमिक रूप से नेरोटाइप एक छोटे से गोल क्षेत्र के रूप में रह जाता है और इस प्रकार का गेस्टुलेशन एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। पक्षियों में यह क्रिया अत्यधिक विकसित तथा अन्य रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट इन्वोल्यूशन, इसे अंतर्वलन कहते हैं। इसमें बाहरी स्तर से कोशिकाओं का अंदर की ओर टर्निंग या लुढ़कना होता है। इसमें दसना या अंदर की ओर होना यह नहीं होता, अंदर की ओर इसमें दस्ती नहीं है, केवल अंदर की ओर रोलिंग करती है
यह क्रिया एम्फियोक्सस मछलियों और बेचरों में प्लास्टोफोर के किनारों पर रेप्टाइल्स बर्ड्स व ओविपेरस मैमल्स में यह क्रिया आजरे का क्षेत्र में होती है और इस प्रोसेस में पुरोमिजोडर्म एवं इंडोडर्म निर्माण करने वाले ब्लास्टोमियर ब्लास्टोफोर के किनारे पर या आधी रेखा तक स्थानांतरित होते हैं और इस घटना को कन्वर्जेंस कहते हैं, अभिसरण, क्योंकि इसमें ब्लास्टुला सतह के विभिन्न क्षेत्रों में दूर स्थित कोशिकाएं सकड़े क्षेत्र की ओर स्थानांतरण से पास पास आ जाते हैं तथा अभिसरण में कोशिकाएं ब्लास्टोपोर या ब्लास्टोपोर किनारों तक स्थानांतरित होने के पश्चात इनका अंदर की ओर टर्निंग होता है या ये अंदर की ओर लुढ़क जाती है और इसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। जो स्लाइड में दिखाया गया है, इन्वोल्यूशन के बाद में भ्रूण के अंदर ब्लास्टोपोर या आधी रेखा के क्षेत्र में दूर स्थानांतरित होने में एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। अतः इस स्थानांतरण को डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे जैसे इन्वोल्यूशन होता है, आर्क एंट्रॉन बढ़ती जाती है और ब्लास्टोफोर छोटा होता जाता है, जो डायग्राम में दे रखा है। नेक्स्ट इन्फिल्ट्रेशन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड फिशेज में गेस्टुलेशन इन्फिल्ट्रेशन द्वारा होता है। इसमें ब्लास्टोडर्म से कोशिकाएं ब्लास्टोफोर में अंतर्गलन होती है, जो डायग्राम में दिखा रखा है, जिसमें एरिया ऑप्टिका, एरिया पेलुसिडा, एरिया ऑप्टिका सबजेनिनल कैविटी, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, सेल इंटरेक्शन एंड माइग्रेशन जो दिखाया गया है, टेस्ट में सेग्रीगेशन। तथा इनग्रेशन में कोशिकाओं का स्थानांतरण एक कले छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह में होता है और ये कोशिकाएं ब्लास्टोडर्म के नीचे एक स्तर में विन्यस्त होकर एंडोडर्म व हाइपो ब्लास्ट बनाती है। ब्लास्टोसिल आर्क एंट्रॉन में परिवर्तित हो जाती है। यह इन्वोल्यूशन तथा इनग्रेशन के समान होती है, किंतु इसमें स्थानांतरित होने वाली कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होकर ब्लास्टोसिल में जाने के लिए कुटपाद जैसी संरचना बनाती है। साइंटिस्ट लोट्रप 1974 में बताया कि अंतर्क्रमण इनग्रेशन इन्फिल्ट्रेशन दो प्रकार का होता है, मल्टीपोलर इनग्रेशन तथा डायपोलर इनग्रेशन। मल्टीपोलर इनग्रेशन में कोशिकाएं समूह में कई स्थानों से
ब्लास्टोडर्म ब्लास्टोसेल में गति करती है और यह इनग्रेशन पेराटेंजिटल सेल डिवीजन या प्रीमेटिव डिलेशन के कारण होती है। इस प्रकार का इनग्रेशन रेप्टाइल्स व बर्ड्स में दो जनन स्तरों के पृथक्करण के दौरान होता है। नेक्स्ट यूनिपोलर इनग्रेशन। यूनिपोलर इनग्रेशन एक क्षेत्र में होता है, यह क्षेत्र अक्रिय क्षेत्र होता है, इसमें कोशिका समूह एकल स्थानांतरित होते हैं। ओविचरम मेसोडर्म का स्थानांतरण प्रदेश में पृथक्करण इसी एरिया के द्वारा होता है। लास्ट डिलेमिनेशन विस्तरण, जो लास्ट डायग्राम दे रखा है, इसमें मैमल्स में पूर्व स्थित स्तर से कोशिकाओं के अलग होकर ब्लास्टोसेल में जाने से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। तो अलग होने वाली कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट के नीचे विन्यासित होकर एंडोडर्म या हाइपोब्लास्ट बनाती है। इनमें ब्लास्टोपोर एब्सेंट होता है, जो डायग्राम में दिखा रखा है, डिलेमिनेशन लेयर फॉर्मेशन। तो छात्रों, आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। तो जो आपको वीडियो के द्वारा हमने जो आज अध्ययन किया है उसको नोटेट कर लीजिए तथा उनको याद कीजिए।